ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये मैथ्स है। क्या हुआ? तू कौन से बैच के लिए ज्वाइन? तो उस साइड वही मैं सोच रही, ऐसे वो बुक लेके क्यों बैठा है तू? अच्छा ओके, सो चलो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। तो मैंने फिर से मैं बोलती हूँ ये चीज ऑफ द रिकॉर्ड, मैं तुम्हें बता दूं कि ये चीज तुम स्किप भी कर सकते हो, इस पे बहुत रेयरली क्वेश्चंस पूछते हैं एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है वो स्ट्राइक होना, ठीक है? सो वी विल प्रिपेयर टेबल। चलो ठीक है, टेबल को। ओहो वंश, वो ना घूमने गए थे शायद, है ना रे? हाँ फिर क्या है, क्या हुआ? हाँ कहाँ गए थे घूमने? बॉम्बे गए थे तो घूमने, सीरियसली? अच्छा कोई रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं क्या? अच्छा इसलिए। ओके आइडेंपोटेंट लॉ, ठीक है? अब कुछ लॉज देखने वाले अपन, उनको यूज करना है हमें टू सॉल्व। अभी तक हम क्या करते थे, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स प्रूव करते थे बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। अब हमें इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स प्रूव करने हैं बाय यूजिंग दिस लॉज। सो क्वेश्चन ऐसे रहता है, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दिस दिस, ऐसे स्टेटमेंट रहता है अपना, ठीक है? तो जनरली 99% केसेस में क्वेश्चन ट्रुथ टेबल पे ही आते हैं, उनको 100% रिजल्ट लगाना है बोर्ड का, तो वो ये क्वेश्चन नहीं पूछते ज्यादातर केसेस, ठीक है? बट यस, सिंस इट इज देयर इन योर सिलेबस वी हैव टू लर्न। ओके सो आइडेंटिटी लॉ इज पी और पी इज इक्विवेलेंट टू पी, पी एंड पी इज इक्विवेलेंट टू पी ओनली। ओके याद रखना है, और जब जरूरत पड़े तब यूज करना है, ठीक है? मैं खुद ये लॉ कभी कभी भूल जाती हूँ, सच में ये फैक्ट है, मैं खुद भूल जाती हूँ कभी कभी। कॉम्पिटिटिव लॉ है, पी होगा नहीं, पी और पी सेम स्टेटमेंट का खुद के साथ अगर कंजंक्शन लिया एंड स्टेटमेंट का अगर खुद के साथ डिसजंक्शन लिया तो वही स्टेटमेंट आ जाए। ओके क्या है, हाँ कॉम्पिटिटिव लॉ। कॉम्पिटिटिव लॉ तो हमने बेसिक अपना स्कूल में भी सीखा हुआ है। कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होता है? यस, पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू क्यू एंड पी ऑल्सो। अच्छा ओके okay, और लेते हैं ना, पहले और ले लेते हैं। पी और क्यू एंड क्यू और पी, उसके बाद P and Q, it's same as Q and P. हाँ इसी लगेगा नहीं। Commutative law मतलब, जैसे commutative law मतलब ऐसा होता है, जैसे 3+4 भी 7 आता है एंड 4+3 भी 7 आता है। ओके ऑर्डर अगर चेंज होता है तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज commutative law, ठीक है? नाउ थर्ड, associative law। अच्छा कल मैंने सारे लेक्चर्स पहले वाले अपलोड किए हुए हैं, रेफर कर लो, कल ही सारे हो गए, बस आज का लेक्चर भी बाकी। वो एक्चुअली एक दो दिन तो मेरा लैपटॉप नहीं था, फिर एक दिन वो बैटरी का प्रॉब्लम हो गया था, तो ऐसे करते करते वो अपलोडिंग नहीं, जो जिनका मिस हुआ उनको प्रॉब्लम है, जो थे उनको तो कोई इशू नहीं। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? देखो पी और क्यू और आर, तो तुम ब्रैकेट जो है ना वो कोई भी दो चीजों को लगा सकते हो, जैसे कि अभी यहाँ पे ब्रैकेट किसको लगा हुआ है, Q और R को लगा हुआ है। ये ब्रैकेट P Q को भी लग सकता है, जैसे कि P और Q मैंने ब्रैकेट में डाल दिया और फिर उसका डिसजंक्शन लिया मैंने R के साथ, ऐसा भी चल सकता है। सेम थिंग कैन हैपन विद एंड, इफ आई से P एंड Q एंड R, अब ये जो एंड वाला ब्रैकेट है वो P Q को भी लग सकता है ऐसे, ठीक है? So this is your associative law. P or Q or R. Q or R bracket में है, P or Q bracket में है, Q and R bracket में है, मतलब bracket कहीं पे भी लग सकता है। Okay? That is the associative law. हाँ इन्होंने और एक चीज add कर दी है यहाँ पे, you can take individual
मतलब विदाउट पुटिंग एनी ब्रैकेट, विदाउट पुटिंग एनी ब्रैकेट तुम्हारा हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ. ओके, हाँ इम्प्लीकेशन का इक्विवेलेंट है वो बता दूंगी मैं. ओके, फोर्थ फोर्थ लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. P and Q or R. देखो associative law और distributive law में generally confusion होता है. Associative law में दो identical functions है और distributive law में दो different functions है. Okay? तो जैसे अपन brackets open करते हैं ना वैसे इसको सोचो distributive law को. तो brackets open कैसे करते हैं अपन, P Q P R है ना. So ये होगा P and Q और P and R, इस तरीके से ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, सही है ना. पी क्यू पी आर ब्रैकेट्स ऐसे ही ओपन करते हैं अपन, वन बाय वन ब्रैकेट के अंदर लगा लेते हैं. सेम थिंग विल हैपन फॉर डिसजंक्शन. कैसे होगा, पी और क्यू एंड पी और आर. अच्छा तुमने अगर एक चीज ऑब्जर्व की होंगी तो ये जो दो चीजें है ये एक दूसरे के ड्यूअल्स है. ऊपर जो एक्सप्रेशन लिख रहे हो नीचे जो एक्सप्रेशन लिख रही हो वो एक दूसरे के क्या है, ड्यूअल्स है. याद आ रहा है ड्यूअल्स मतलब हमने क्या किया था, क्या किया था ड्यूअल्स, कंजंक्शन को डिसजंक्शन से रिप्लेस किया था, डिसजंक्शन को कंजंक्शन से रिप्लेस किया था, है ना. ड्यूअल्स तो दीज आर ड्यूअल्स ऑफ ईच अदर. सो अगर तुम एक लॉ भी याद रखते हो ऊपर का तो नीचे वाला अपने आप हो जाएगा. मतलब डिसजंक्शन का याद रखा तो कंजंक्शन का हो जाएगा, या फिर कंजंक्शन का याद रखा तो डिसजंक्शन का हो जाएगा. ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. नेक्स्ट चले आगे. Yes. लिखो लिखो ऑल राइट फिर जा ना. एब्सॉर्प्शन लॉ दिस इज पी एंड पी और क्यू. इसका आंसर आ जाता है पी. पी एंड पी और क्यू इसका आंसर आ जाता है पी. क्या है एब्सॉर्प्शन लॉ, लागतो पंतो ऐसा कसा नहीं दिला तुमने. नहीं नहीं जरूरी है पर वो अप्लाई होता है वो आगे क्वेश्चन आला तर दोन मार्क ला येतो. दोन नहीं तीन मार्क, तुमचे दोन मार्क से कॅन्सल झाले ना तीन मार्क. हा नाही ते ट्रुथ टेबल वरच विचारते, डोंट वरी ट्रुथ टेबल वरच विचारते लोड मारतो. अब इसका हम करेंगे पी और क्यू, पी एंड क्यू. अब इतना पूरा चैप्टर इजी है तो कुछ तो डिफिकल्ट होना चाहिए ना. कुछ तो डिफिकल्ट होना चाहिए. पी और क्यू, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी और क्यू. ओके ठीक है. नेक्स्ट हाँ देखो एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या है बेसिकली, यहाँ पे और यहाँ पे जो भी है ना वो आइडेंटिकल होना चाहिए. पीपी है ना, That term should be identical, same same. मतलब यहाँ पे अगर जो भी टर्म आता है वो यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे जो भी टर्म आता है वो यहाँ पे आना चाहिए, तो तुम absorption law यूज कर सकते हो. ठीक है. डी मॉर्गन्स लॉ नेगेशन में हमने यूज किया है. डी मॉर्गन्स लॉ नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू. ओके, डी मॉर्गन्स लॉ हमने नेगेशन में यूज किया है. Negation of P or Q is negation of P and negation of Q. Seventh, complement law. P or negation P is T. Small T है, capital T नहीं. P and negation P is C. ठीक है. T मतलब
हमने ये स्मॉल टी और स्मॉल सी कहीं पे तो देखे है, टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन, कहाँ पे देखे थे हमने ये स्मॉल टी एंड स्मॉल सी? ड्यूएल्स में बताया था मैंने, टी इज रिप्लेस्ड बाय सी एंड सी इज रिप्लेस्ड बाय टी, है ना? चलो नेक्स्ट. अब अंडरस्टूड ना, तो देखो ये भी एक दूसरे के ड्यूएल्स है, जो और है वो एंड से रिप्लेस हुआ है एंड टी जो है वो सी से रिप्लेस हुआ है. ड्यूएल्स, तो एक याद रखा तो दूसरा आ जाता है. इन्वोल्यूशन लॉ मतलब कितना, मतलब कितना कंफ्यूज करेंगे. देखो इन्वोल्यूशन लॉ क्या है, देखो कितना कॉमन सेंस है. दस एक्चुअली उन्हें कुछ कुछ इक्विवेलेंट चीजें दी हुई है जो कि काम आती है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन लॉ काम आता है. फिर बताती हूँ मैं आगे आगे इन्वोल्यूशन लॉ. अभी देखो इन्वोल्यूशन लॉ नाम अलग देने की कोई जरूरत नहीं है, निगेशन ऑफ निगेशन. So, हमें पता है negation of negation is P. तो अपन reason देते वक्त negation of negation नहीं देने वाले, involution law ऐसा reason देने वाले, ठीक है? Negation of negation ये reason नहीं देंगे अपन. Which reason? Involution law. Next, evolution. कुछ evolution नहीं हो रहा है फिलहाल तो, हमको lockdown की वजह से सब वही के वही खड़े है ना, उल्टा बैक में जा रहे हैं मेरे को लगता है, आगे तो बढ़े नहीं रहे काय. तो हे भी पहिल्याच क्लास मध्ये सांगितलं होतं की याचा यूज नाहीये थोडे. आयडेंटिटी लॉ पी और सी इज पी, तो इसका बताओ जरा ड्यूएल क्या होगा फिर, कैसे होगा वो? यहाँ पे थोड़ा फेल है. पी एंड सी देखो कैसे याद रखना है, देखो ध्यान दो. कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, सब कुछ एफ होता है. कॉन्ट्राडिक्शन मतलब एवरीथिंग इज एफ ना, याद कैसे रखना है देखो. कॉन्ट्राडिक्शन इज एवरीथिंग इज एफ. पी क्या हो सकता है, टी हो सकता है या फिर एफ हो सकता है, सही है ना? P क्या हो सकता है, एक तो T हो सकता है या फिर F हो सकता है. तुम क्या कर रहे हो इसका, और कर रहे हो ना, और कर रहे हो. तो इसका आंसर क्या आएगा, T आएगा. इसका आंसर क्या आएगा, F आएगा. दिस वॉज योर P, दिस वॉज योर C, दोनों का तुम ले रहे थे और आंसर क्या आया, P ना. पूरा P का टेबल यहाँ पे रिपीट हुआ. आइडेंटिटी लॉ याद रखने का तरीका लॉजिकली, लॉजिकली ठीक है. सी मतलब दोनों एफ हो गए, पी क्या हो सकता है, एक तो ट्रू हो सकता है एक तो फॉल्स हो सकता है, दोनों का और करना है, दोनों का और किया तो टी एफ आ जाएगा, ठीक है. अब तुम मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, सी आएगा. टी और एफ हो सकता है पी, एंड सी क्या है, दोनों एफ मतलब सी मतलब एफ ही होगा, दोनों का क्या करना है हमें, एंड एंड. सो क्या आएगा इसका आंसर, एफ एफ. सो क्या आना चाहिए आंसर, याद रखने का तरीका. अंडरस्टूड? अब ड्यूएल लेने वाले अपन, ये समझ में आया ना लॉजिक इसको याद रखने का. अब इसका ड्यूएल लेने वाले अपन, ड्यूएल मैंने वहां पे गलती से बोला, अब ड्यूएल लेंगे अपन. हाँ अब ड्यूएल पी एंड टी, ओके क्या होगा ये, पी होता है कि चेक करते एक बार, पी मतलब क्या हो सकता है, टी एफ दोनों में से कुछ भी हो सकता है. स्मॉल टी इज टोटोलॉजी ना, मतलब दोनों ट्रू होंगे. क्या करना है इनका, एंड क्या आता है ये, टी एफ मतलब पूरा पी रिपीट हो जाता है, मतलब अपन सही है, ठीक है. So, P और T ये आएगा T. Understood ना? Tenth. चले आगे. Conditional law.
पी इंप्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ पी और क्यू. पी इंप्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ पी और क्यू. याद है कुछ ते कशाच होतं ते काय होतं लर्न केलंय पण ते काय होतं नेगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन था वो. व्हॉट वॉज दॅट? दॅट वॉज नेगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन. नेगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन वॉज पी अँड नेगेशन क्यू. ये था वो. दॅट वॉज नेगेशन. दिस इज इक्विवॅलन्स. ओके दॅट वॉज नेगेशन. इसके साथ कन्फ्यूज मत करो. दॅट वॉज नेगेशन. नाउ पी डबल इम्प्लाइज क्यू. क्या आएगा ये? नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड एंड आएगा बीच में एंड नेगेशन ऑफ क्यू और पी. सही है. क्यू और पी. डबल इम्प्लीकेशन का नेगेशन याद है किसी को? डबल इम्प्लीकेशन का नेगेशन ठेवायचं ना. नेगेशन क्यू था और क्यू अँड नेगेशन असा था. बाय बाय कंडिशनचा नेगेशन. हा ये नेगेशन ये इक्विवेलेंस ठीक है. समझ जाएगा कुछ ना. डिफिकल्ट नहीं. हमने एक एक लेक्चर में दो दो एक्सरसाइज खत्म किया है ना वेज. कुछ ही नहीं इस चैप्टर में. चलो ठीक है चले आगे. यस चलना है. ओके देखो क्वेश्चन पढ़ो. हाँ बोलो. अच्छा कॉन्ट्रापॉजिटिव भी दिया है क्या उन्होंने? कॉन्ट्रापॉजिटिव. ओके कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है बता सकते हो? अपन ने देखा है ऑलरेडी. हाँ इनवर्स का कॉन्वर्स याद आ रहा है ना? यस क्या था कॉन्ट्रापॉजिटिव? चलो लिख लेते हैं ना. पी इंप्लाइज क्यू का कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या था? नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी था है ना. सो इट इज इनवर्स का कॉन्वर्स. बहुत कंफ्यूजिंग है बरो. इनवर्स का कॉन्वर्स चांगल है. डन. यस लिख लिए सारे लॉस? वो लिखना ही है. जाएगा भी नहीं जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे. और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी कितना जाएगा डाउटफुल. चलो डन. बट थोड़ा अच्छा ही है. मतलब मुझे सॉल्व करने के लिए थोड़ा पर्सनली अच्छा लगा. बट द प्रॉब्लम इज बहुत सारे लॉज है उस टाइप. क्लिक नहीं होता है जल्दी. चलो चले आगे. फर्स्ट पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी और क्यू. सॉरी पी एंड क्यू और negation of p and negation of q. ठीक है ये हमें प्रूव करना है. दिस थिंग वी नीड टू प्रूव. हाँ तो अरे तो प्रूव तो करना पड़ेगा ऐसे किसी. मतलब तेरा डाउट ही नहीं समझो मुझे. वो लोग बोल रहे प्रूव दैट और तू बोल रहे दिया है ना ऑलरेडी क्यों प्रूव करना है. Using without using truth table, okay? Remember this thing. Without using truth table. अगर ऐसा question आता है तो इसी से करना है. ठीक है स्वयं क्या आ रहा है? Maths, accounts, maths. बाप रे सिर पकड़ के बैठा था वो अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में ऐसे बैठा था. इंडाइसेस कुछ ज्यादा ही हो गया आज का है ना. ज्यादा हुआ ना. वो करके आया क्या बात कर रहा है. दिल पे लिया तूने मैथ्स को. वाह वाह चलो बाय कंडीशनल लॉ हमने ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा है देखो जरा. दिस वन
है ना, बाय कंडीशनल लॉ है ना ये, इसको उठाओ। वाला अलाउड नहीं है ठीक है, कौन सा लॉ है ये, हाँ ठीक है। अब हमें यहां से पहुंचना है यहां तक, कैसे करोगे, यहां से हमें पहुंचना है यहां तक क्या दिया हुआ तुझे, क्या दिख रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या क्या हो रहा है तुझे, चलो देखो अब क्या यूज करोगे, कुछ दिमाग लगा सकते हो थोड़ा बहुत, नहीं डीमॉर्गन्स लॉ कैसे, डीमॉर्गन्स लॉ के लिए, डीमॉर्गन्स लॉ के लिए ब्रैकेट के बाहर नेगेशन चाहिए ना, क्या कर रहे है तू भाई, डी मॉर्गन्स लॉ के लिए स्वयं भाई साहब ब्रैकेट के बाहर नेगेशन, नहीं कंडीशनल लॉ नहीं, सिंगल इंप्लाई हो जाएगा उससे क्या होने वाला है, क्या वो कर लोगे। हाँ अवनी आपल्याला पाहिजे म्हणून काही नाही करायचं, बताओ हिंट दू, हिंट देते चलो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखो ध्यान दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होता है अपना, पी एंड क्यू, क्यू और आर था ना, देखो आर लिया था क्या हमने, लिया था ना आर, मुझे डाउट हो रहा मैंने आर लिया था क्या, हाँ लिया था, लिया था यस, क्यू और आर ओके, दिस इज व्हाट पी एंड क्यू और पी एंड आर, सही है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो हमारे पी के जगह पे कौन आया है, ये पूरा ब्रैकेट आया है, हमारे क्यू के जगह पे कौन आया है, नेगेशन ऑफ क्यू आया है, एंड हमारे आर के जगह पे कौन आया है, पी आया है, सही है ना, सो दिस कंप्लीट थिंग इज योर पी, रेड कलर वाले लेटर्स हमने अज्यूम किए हुए हैं ठीक है, कंपेयर किया है इसके साथ उसको ठीक है, सो दिस पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर, नाउ कैन यू यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ट्राई जस्ट सब्स्टिट्यूट करो बस, डोको पकड़ का ही होना नहीं है नमिश, अच्छा पूर्ण स्क्रीन से प्रॉब्लम का रिमोट का हैंग हो गया, पूर्ण स्क्रीन है व्हाट, ये नहीं आ रहा है वो, अच्छा चलो ठीक है, हाँ तेवढंच आहे बरोबर आहे, हाँ ठीक आहे मी इकडे केलं होतं, चलो यहां तक आ रहा है, आएंगे ना तीन ही टर्म आते हैं, इनके भी तीन ही आए शायद, वन हाँ वैसे ही आता है, इनका भी वैसे ही आया है, दो बार डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना पड़ता है, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना पड़ता है, देखो क्या आता है एक बार देखते हैं, पी के जगह पे किसको रखना है, हमें पी के जगह पे रखना है इस फर्स्ट ब्रैकेट को ठीक है, तो बड़ा ब्रैकेट ड्रॉ करते हैं अपन, पी के जगह पे हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, जिसको रिप्लेस कर रहे ना उसको उसके नीचे डॉट दे देगा समझ में आएगा, पी को रिप्लेस कर रही हूं मैं, क्या है वो नेगेशन पी और क्यू, अब जाएगा एंड क्यू के जगह पे कौन है, नेगेशन क्यू, पहला ब्रैकेट हो गया, और पी के जगह पे फिर से कौन जाएगा, सेम थिंग नेगेशन पी और क्यू, फिर आएगा एंड एंड आर, आर के जगह पे कौन जाएगा, पी, गॉट इट,
अब उल्टा करना है इसको, उल्टा करना है मतलब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा, कॉमिटेटिव लॉ। 3 + 4 = 4 + 3 = 7, सही है ना? कॉमिटेटिव लॉ, बरोबर। कितनी कॉन्फिडेंस ने म्हणते ती, जसं काही एखादा चुकी तर सांगणार होतं खरंच। कॉम्पिटेटिव लॉ, कॉम्पिटेटिव लॉ मतलब दोनों को इंटरचेंज करना है। निगेशन क्यू एंड निगेशन पी और क्यू, एक तो लिखना बहुत पड़ता है यार यहाँ पे, पी एंड निगेशन पी और क्यू। अब क्या हुआ देखो, बाहर एंड है अंदर और है, बाहर एंड है अंदर और है, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब ऐसे सिचुएशन आता है ना, बाहर एंड अंदर और, या फिर मतलब उल्टा साइन, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जब उल्टा साइन होता है तो हम कौन सा लॉ यूज करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। साइन लॉ उल्टा करा म्हणजे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ म्हणजे काय? अपन ब्रैकेट कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना अपन, ब्रैकेट कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मान के चलो एक्स इंटू वाई प्लस जेड है, तो अपन कैसे एक्स वाई प्लस वाई जेड ऐसा करते हैं ना सॉल्व, वैसे ही करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी, ये फर्स्ट ब्रैकेट हुआ, बीच में कौन आएगा? और नेगेशन ऑफ क्यू एंड क्यू, ब्रैकेट सॉल्व किया ना मैंने, देखो नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी और यहाँ पे आया नेगेशन क्यू एंड क्यू, कर लिया ब्रैकेट सॉल्व, बीच में कौन है? और है सेकेंड ब्रैकेट में, फिर से ब्रैकेट सॉल्व करना है, पी एंड नेगेशन पी, अब कौन आएगा बीच में? और पी एंड क्यू, क्या है ये? विच लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया ना हमने। यस अवनी, समझा क्या? बोलो। दिस वन, दिस वन डिडंट गेट, दिस वन, दिस वन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे कैसे यूज किया? कॉम्पिटेटिव लॉ, इंटरचेंज किया, माइनस क्यू को पहले लिया एंड वो पहले ब्रैकेट को बाद में रखा, क्योंकि मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के लिए ये वाला फॉर्मेट चाहिए था ना, दैट इज व्हाई। वो यूज करने के लिए ज्यादा इजी हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर सिंगल टर्म आगे रहता है। बेसिकली अभी हमारे पास क्या है? y प्लस जेड इंटू एक्स है और मैंने इसको x इंटू वाई प्लस जेड किया, मतलब जो पीछे वाला टर्म था उसको आगे लिया, जो आगे वाला टर्म था उसको पीछे लिया, दिस कंप्लीट ब्रैकेट एंड दिस नेगेशन क्यू, स्वैप स्वैप किया मैंने इसको। अब ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं अपन? एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड ना, सो सिमिलरली नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी और नेगेशन क्यू एंड क्यू, ब्रैकेट जैसे ओपन करते वैसे ओपन करना है। सिमिलरली पी एंड नेगेशन पी और पी एंड क्यू ऐसे। अब ये लॉ जरा चेक करो अपने लिस्ट में क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या आता है इसका? अच्छा इसका रीजन नहीं लिखा हमने, हर एक स्टेप मेरे लिखने के बाद तुम भी लिखो एकदम से, वो एकदम से लिखोगे तो नहीं समझ में आएगा, वन बाय वन मेरे साथ एक एक स्टेप लिखो। नेगेशन क्यू एंड क्यू, काय म्हणतोय हे वालं? राहत होत त्याचं काही सॉल्व होत नाही, टेम्पररी तसंच राहू दे, इसको कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहा है ना, तो कीप इट एज इट इज फॉर सम टाइम। नेगेशन क्यू एंड क्यू कौन सा लॉ है? कॉम्प्लीमेंट लॉ, क्या आता है वो? सी आता है। देन पी एंड नेगेशन पी, सी आएगा ना, फिर से सेम है सी, कौन सा लॉ यूज किया हमने? कॉम्प्लीमेंट लॉ। दैट इज व्हाट इज द चैलेंजेस, वही तो चैलेंज है इस क्वेश्चन में।
इसीलिए तो मैंने बोला कि वो अभी एक क्वेश्चन में समझा रहे हो, अगला क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है। सी और सी हटाना है, बाकी सब हो गया। बाकी सब हो गया, चलो यस। कौन सा ये बताओ, सी और सी हटाना है, बाकी आंसर आ गया। यस सही बोल रहे, आइडेंटिटी लॉ। यस आइडेंटिटी लॉ से क्या हो जाएगा, हम अगर सी के साथ डिसजंक्शन लेते हैं, देखो आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, पी और सी क्या आता है, पी आता है ना, चेक करो आइडेंटिटी लॉ में, पी और सी पी आता है, तो पी और सी अगर पी आता है तो पी के जगह पे कौन है हमारे पास, पी के जगह पे ये पूरा टर्म है, नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी, और यहाँ पे भी सी के साथ डिसजंक्शन हो रहा है तो पी के जगह पे, सो क्या लिखोगे फिर यहाँ पे, आइडेंटिटी लॉ। अब उन्होंने दिए हुए फॉर्मेट में नहीं है ना अपना आंसर, उनका नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी जो है वो सेकेंड टर्म है ना, तो हमें स्वाप करना पड़ेगा कॉम्यूटेटिव, हाँ स्वाप करना पड़ेगा ना, तो स्वाप करेंगे तो कैसे होगा, पी एंड क्यू और नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी, रीजन कॉम्यूटेटिव लॉ। आज दो एक्सरसाइज होना टफ है ना, विरजा उस दिन तो फटाफट 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 बाप रे। चलो डन, तो चैलेंजिंग होगा ही ना यार, फिर भी 10 में से एक ही एक्सरसाइज है। क्या लिमिट्स ना, 11th की लिमिट्स, वैसे ही था वो चैप्टर, सच बोल रहा है। क्लियर है, अगला तुम ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो मैं क्या करूंगी, लिस्ट दे दूंगी कौन सा लॉक कब यूज करना है, पहले उसको, ठीक है, फिर तुम ट्राई करो साइमेंट, मतलब वो सेकंड चॉइस है, पहले खुद से ही ट्राई करना है, ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी आरएचएस भी लग सकता है, वैसे तो जनरली एलएचएस ही है, कभी कभी आरएचएस लेके एलएचएस प्रूव कर सकते हो, हाँ सेकेंड आरएचएस का करना रहता है, बरोबर है। श्रुति एब्सेंट नहीं रहती जनरली, आज क्यों एब्सेंट है, ऑनलाइन ऑनलाइन में है क्या, सानी का तो है, श्रुति है, हाँ हाँ कुछ बोली नहीं, मतलब श्रुति का नाम लेने के बाद भी कुछ बोली नहीं हो। यस मैम, होपली मैम लग रही है। चलो ट्राई करो एलएचएस, ये देखते ही समझ में आ चाहिए। रिंकू लेने वाले थे आरएचएस, मैंने रिंकू आरएचएस लेने वाले थे, तो पी वाह 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 वाह, सोचो सबसे पहले मुझे ये बताओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा क्या, ठीक है, लेकिन पहले अंदर वाला ब्रैकेट सो, अंदर वाले ब्रैकेट पे सोचो, मैंने क्या बोला था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते टाइम, हियर एंड हियर दो अलग साइन चाहिए, सेम है नहीं, एसोसिएटिव लॉ, करेक्ट एसोसिएटिव लॉ, चलो पहले एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करो, अब मैं पहले लॉ लिखूंगी फिर स्टेप लिखूंगी, ठीक है, देखते हैं तुम आइडेंटिफाई करते हो क्या, एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या है, तुम कहीं पे भी ब्रैकेट डाल सकते हो, हैप्पी रियलाइजेशन, एंड और एसोसिएटिव में साइन चेंज नहीं होता,
आज तो मुझे लगता है ये भी एक्सरसाइज नहीं होगी, नहीं होगी ये। हैं निमिष, बहुत भाग रहे थे तुम, अब तो रुकना ही पड़ेगा, बहुत भाग रहे थे उस दिन, अब तो रुकना ही पड़ेगा। मैम आप सिर्फ फिफ्थ पे ही हो, हमारा हो गया सेवेंथ, हो गया सेवेंथ का लास्ट चल रहा है। चलो ब्रैकेट किसको किसको जाएगा, इन दोनों को ब्रैकेट जाएगा, सही है ना, जाएगा ना, सॉल्व होगा ना, वो ब्रैकेट डालने के बाद ही तो सॉल्व होगा। एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या होता है, तुम कोई भी दो को ग्रुप कर सकते हो। तो अब ये आइडेंटिटी हमारे पास है ना, ब्रैकेट डालना पड़ेगा, ब्रैकेट डालना पड़ेगा। हाँ पुढ़ची स्टेप का नहीं करू शक, बिकॉज सी ना, अगर मैंने ब्रैकेट डाला तो कुछ रिजल्ट मिल रहा है ना हमें, टी मिल रहा है ना। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ चेक करो, कॉम्प्लीमेंट लॉ, वेयर इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ देखो, ए कॉम्प्लीमेंट लॉ, पी और नेगेशन पी इज टी। अरे भाई कॉम्प्लीमेंट लॉ दिख रहा है यहाँ पे, देख दिख ही नहीं रहा सुबह से, हमें बोल्ड करके दिखाना पड़ता है, तो दिख ही नहीं रहा आज सुबह से। कॉम्प्लीमेंट लॉ है ना, वो टी आता है ना, उसे लगाना पड़ेगा हमें, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या पी को नेगेशन पी कंसिडर करके फिर वो फॉर्मूला लगाना। देख अभी यहाँ पे भी तो मैंने सी ऊपर जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया था तो वहां पे हमारे पास पी क्यू आर थोड़े ना थे, हमने उस टर्म को पी अज्यूम किया, हमने उस टर्म को क्यू अज्यूम किया, हमने उस टर्म को आर अज्यूम किया, आ गया, वेरी गुड। क्या रहा ये, पी एंड नेगेशन पी और टी। अब नेगेशन पी और टी हमारे पास एक लॉ है, कौन सा लॉ है बताओ, पी और टी बताने वाला एक लॉ है। ए तुझे क्या दिखाई दे रहा है, कंडीशनल लॉ बोल रहे हैं। P और T क्या आता है, P और T, T आता है, क्या चल रहा है उसका आज। अरे भाई हाँ बरोबर है, तू एकदम बरोबर है, P और T वंश, P और T इज T ना, P और T इज T, P और T इज T। अब हमारे पास क्या है P के जगह पे, नेगेशन P और T, क्या आएगा, टी ही आएगा ना। मतलब सी इस रूल का मतलब क्या है, तुम टी को किसी के भी साथ और करो, आंसर टी आने वाला है, ये उस लॉ का मतलब है, रूल का। तुम टी को किसी के भी साथ और करो, आंसर टी आने वाला है, फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली हाँ, इसलिए मैंने वो लॉजिक बताया था। सो इसका आंसर क्या आने वाला है, टी। मुझे लगा था यस, पी एंड टी रीजन आइडेंटिटी लॉ। हाँ यस, दुख हुआ क्या तुझे, पी एंड टी क्या आता है, पी आता है विच लॉ, विच लॉ, स्वयं कंडीशनल। कॉमोडिटी लॉ से उसके लिए जरूरत नहीं है, बड़ा एक्सप्रेशन रहता है ना तो हम हमारे कन्वीनियंस के लिए उसको करते हैं। डन ना, समझा ना, ये इजी था, नहीं काळजी असते बाबा, ऑनलाइन वाल्यांची काळजी मी करत नाही, तेवढी विरजा काळजी करते। नेगेशन पी एंड क्यू, लेट्स स्किप, डिफरेंशिएशन के टाइम पे क्या करेगी फिर तू, हाँ अच्छा हमें इम्पोर्टेंट है ना, इजी है, ऐसे टॉपिक अच्छे लगते हैं ना। उसमें लॉजिक तो है।
चलो तुझे आ रहे थे सुनने रिंकू वो आ रहे थे इसकी बात कर रही थी यार हाँ स्वयं तुझे क्वेश्चन समझ रहे वो यार क्या पूछ रहा है उधर टी और सी दिख रहे और वो कंडीशनल ना लगाने की सोच रहे भाई नहीं नहीं तिकड़े ग आधीच्या क्वेश्चन मध्ये म्हणते मी यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा कंडीशनल लॉ कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना डायरेक्टली निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन लगाना अच्छा दोन दोन निगेशन येत आहेत तुमचे अच्छा ओके क्यू साठी ना P implies Q. इसका negation क्या आता है P implies Q का negation क्या आता है P and negation Q. अब देखो ध्यान दो मैं ना इसको सॉरी मैं चुप लेगा माई बैड लेट मी वेरीफाई फिर भी सही थी मैं सीधा नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यों लगा रही थी अच्छा ओके तब भी मैं सोचूं ऐसे कैसे हुआ सब एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहे एकदम अगर आणी तू जे बघतीस ना ते काय बघतीस माहिती का तुला ये देख रही है तू क्यों देख रही मैं सीधा नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन देख रही हूँ क्योंकि सी ये ब्रैकेट को ही पूरा नेगेशन है ना ब्रैकेट को ही पूरा नेगेशन है ना और ब्रैकेट के अंदर मेन फंक्शन क्या है इम्प्लीकेशन तो मुझे बेसिकली करना क्या है इम्प्लीकेशन का नेगेशन इसलिए मैंने क्या लगाया नेगेशन implication so negation of implication is what p and negation q ab pura p ka value matlab ye hai pura q ka value matlab ye hai sahi hai so negation of implication P के जगह पे कौन है P and Q and ये negation है ना negation of negation और Q क्या है अपना negation Q क्या बोला मैंने P and negation Q मतलब P के जगह पे कौन है P and Q है P के जगह पे मैंने P and Q लिख लिया and उसके बाद कौन सा सिंबल है negation का फिर negation लिख लिया मैंने उसके बाद कौन है क्यू क्यू क्या है अपना नेगेशन भाई ये नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन है दिया हुआ है मैंने ये साइड में लिख के दिया था और वो लास्ट क्लास में ही हुआ है पहली बात तो लास्ट क्लास में ही हुआ है अपना ये अब भी देने की जरूरत ही नहीं है अब इसके बाद क्या करोगे P and Q and negation of negation Q आ जाएगा कौन सा लॉ लिखोगे इसको negation of negation को क्या लिखते हैं अपन involution law condition स्वयं तुझे ना rest की बहुत जरूरत है involution law
कंडीशनल लो बार बार कुछ। अरे भाई वो है ना यार, लिखा था ना हमने अपनी टेक्स्ट बुक में, मत देख हमने जो लिखे उसमें। अब क्या है, अब्सॉर्प्शन कर सकते हो तुम, एसोसिएटिव कर सकते हो, अब्सॉर्प्शन नहीं याद आ रहा है तो अब्सॉर्प्शन नहीं सॉरी एसोसिएट, अब्सॉर्प्शन भी डायरेक्टली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब्सॉर्प्शन में तो यार दो डिफरेंट साइंस होते हैं, सुन एब्सॉर्प्शन में और डिस्ट्रीब्यूटिव में दो डिफरेंट साइन होते हैं, बट एब्सॉर्प्शन में एक वेरिएबल सेम होता है। चेक कर जरा तो डिस्ट्रीब्यूटिव और एब्सॉर्प्शन चेक कर। ओ मैडम नहीं हो, नहीं हो, एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे सीधा। बट साइन डिफरेंट है ना, यहाँ पे एंड एंड अच्छा ओके पी एंड क्यू एंड क्यू के लिए बोल रही है क्या तू? अच्छा अच्छा ओके ओके क्यू एंड क्यू ब्रैकेट चेंज किया ना। सी देखो डिस्ट्रीब्यूटिव तो नहीं लगेगा क्योंकि दोनों जगह पे सेम साइन है, सेम साइन जब होता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लगता, नहीं लगता ना। सेम साइन होता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लगता, डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए डिफरेंट साइन चाहिए। कौन लगा रहा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? कोई तो नहीं लगा, ये एब्सॉर्प्शन, ये एब्सॉर्प्शन लगा रहा था। सो दिस इज देखो देखो ये अलग ही डायमेंशन में है दिस एसोसिएटिव लॉ। अब इसके लिए टेबल चेक करो, Q एंड Q उसके लिए टेबल चेक करो, आइडेंपोटेंट लॉ। ट्रुथ टेबल आता है थोड़ा, ट्रुथ टेबल से जल्दी हो जाता है ना, अब तक तो दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे मज़े आते, टीएफ टीएफ ले ला मज़े आते। वही तो चैलेंज है इस क्वेश्चन में। प्रैक्टिस से हो जाएगा, प्रैक्टिस से हो जाएगा, अगर वो प्रॉब्लम है तो प्रैक्टिस से हो जाएगा। कुठला लॉ है? अच्छा तू ना पहले तुझे खुद को सॉल्व करके आ, तू फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज तुझे खुद को सॉल्व करने की बहुत जरूरत है। एलएचएसएस गया एलएचएस मध्ये पण लावता येईल। इनफॅक्ट आरएचएस मध्ये दोन इम्प्लिकेशन आहेत ग, मुझे बता एसोसिएटिव के लिए तुझे दो ब्रैकेट में एंड कहाँ दिख रहा, दो ब्रैकेट में और कहाँ दिख रहा, कुछ भी जो सूझ रहा है वो बता रहा है। कंडीशनल चल ठीक है, थोड़ा तभी कुछ तो बोला तूने सही से। निगेशन ऑफ तू आरएचएस घेशील तर लावशील, एलएचएस घेतेस ना? क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, कंडीशनल लॉ लगाना पड़ेगा। कंडीशनल लॉ मतलब पी इंप्लाइज क्यू, आई एम नॉट पुटिंग निगेशन इन फ्रंट, आई एम जस्ट राइटिंग पी इंप्लाइज क्यू। उसका क्या होता है, निगेशन ऑफ पी और क्यू। निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन का लावायचं तुला? अगं पूर्ण ब्रॅकेटला कुठे निगेशन आहे, फक्त आर ला निगेशन आहे, ते अँड ला निगेशन आहे। अगं राणी पूर्ण याला आहे का निगेशन, असं आहे का ते? हा म्हणजे हा आरएचएस मध्ये पाहिलं बरोबर,
बरोबर काय म्हणजे काही बोलते कधी कधी नेगेशन पी और नेगेशन पी और क्यू तो कुछ बोल ही मत नेगेशन ऑफ पी और क्यू सही है सही बोला तेरे बोलने के बाद मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ चलेगा ना यस 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 हाँ ये भी सही है दोनों साइड को सॉल्व करके तुम एक आंसर इक्वेट कर सकते हो हाँ नहीं सही बोल रहे हो हाँ सही बोल इसलिए मैं तुझे बोल रही हूँ तो पहले खुद को सॉल्व करके आप फिर क्वेश्चन सॉल्व कर चलो क्या होगा फिर पी के जगह पे और क्यू के जगह पे तो नेगेशन ऑफ पी ना सो नेगेशन आर Q is बराबर ना नेगेशन सिर्फ आर पी को लगता है ना यार नेगेशन तो सिर्फ नेगेशन आर को नेगेशन लगा है बाकी नेगेशन तो एज इट इज है नेगेशन ऑफ नेगेशन इज आर इन्वोल्यूशन हाँ यहाँ पे कंडीशनल लॉ ये लिखना पड़ेगा अब इसको किसे सॉल्व करेंगे फेवरेट कैसे होगा नेगेशन पी और यहाँ पे इन्वोल्यूशन लॉ नहीं एंड कुठे अजून केलंच नाही आहे मी डिस्ट्रीब्यूटिव कसं गेलं लागेल ओ मॅडम इकडे हे करायला लागेल आपल्याला सो अँड उसके बाद नाही लगता अँड कंजंक्शन आहे ना उसका कैसे होगा नेगेशन पी और नेगेशन क्यू सो व्हाट इज दिस टी मॉर्गन्स लॉ आया ना फाइनली आर एच एस करूया आता बिकॉज क्या है ना इसको तुम अगर और सॉल्व करोगे तो थोड़ा वैसे तो हो जाएगा बट ठीक है एरो अपन आर एच एस के एरो को सॉल्व करेंगे ना वहां पे भी एरो लग सकता है हो सकता है बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कीप इट सिंपल आर एच एस क्या है नेगेशन क्यू इंप्लाइज आर नेगेशन पी अब क्या होगा ओए तुझे किधर एंड और दिख रहा है एसोसिएटिव लगाने के लिए काय संबंध इथे एसोसिएटिवचा काय होते तुला नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या होता है नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन एंड नेगेशन क्यू सो क्यू एंड नेगेशन आर सही है ना इम्प्लाइज नेगेशन पी अब कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा कंडीशनल लॉ क्या ये पी इंप्लाइज क्यू है ना कंडीशनल लॉ कैसे लगता है नेगेशन ऑफ पी और क्यू सो नेगेशन ऑफ पी और क्यू क्यू के जगह पे कौन है नेगेशन
सही है ना. कंडीशनल लॉ क्या होता है, पी इम्प्लीकेशन क्यू, नेगेशन ऑफ पी और क्यू. तो पी के जगह पे कौन आया है, ये पूरा ब्रैकेट. क्यू के जगह पे कौन आया है, ये पूरा ब्रैकेट. डी मॉर्गन लॉ. आज पूरा बैलेंस हिल गया है. अब ये एंड है ना, डी मॉर्गन्स लगाएंगे ना. सो डी मॉर्गन्स क्या होता है, नेगेशन क्यू और ये साइकोलॉजी आती है तुझे. सो दिस इज व्हाट डी मॉर्गन, लॉ नहीं बोलते, डी मॉर्गन. दो बार ऐसी हो, ऐसे ही बोलते डी मॉर्गन. इसे स्लोगन दे रहे डी मॉर्गन लॉ. अब क्या करेंगे, अब क्या करोगे. यस इनवोकेशन, इनवोकेशन, इनवोल्यूशन. हाँ, नेगेशन क्यू और आर और नेगेशन पी. सो दिस इज अब एसोसिएटिव यूज कर सकते हैं अपने लिए. चलेगा ठीक है, कैसे भी कर सकते हो. एक काम करते है ना, ब्रैकेट पूरा ओपन करते है ना यहाँ पे, ऊपर 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 एलएचएस में, एलएचएस में यहाँ पे आर और नेगेशन पी और नेगेशन क्यू. ब्रैकेट ही नहीं डालेंगे ना, एसोसिएटिव डाल देंगे ना सीधा. हाँ, एक थर्ड भी तो दिया था मैंने, इक्विवेलेंट. देखना, थर्ड में पहले दो में मैंने ब्रैकेट्स डाले थे और थर्ड में मैंने कोई भी ब्रैकेट नहीं डाला था. चेक कर. हाँ, पूरा ब्रैकेट ही रख देंगे ना अपन ओपन ही. इसका सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा, बट उसको कॉम्बिनेटिव से लिख देंगे. फिर इसका सीक्वेंस जो है ना चेंज कर देंगे, आर को पहले लेंगे, फिर नेगेशन पी लेंगे, फिर नेगेशन क्यू लेंगे और इसको कॉम्बिनेटिव लिख देंगे. क्या प्रॉब्लम है ना, ऑर्डर का ही तो प्रॉब्लम है. ब्रैकेट ब्रैकेट का थोड़ी झोल है, ब्रैकेट रखना पड़ता तो फिर और प्रॉब्लम होती. पर सीक्वेंस वो लिखो ओरिजिनल वाला और रीजन दे दो कॉम्बिनेटिव लॉ. यहाँ पे मैंने ब्रैकेट पूरे ओपन कर दिए, ब्रैकेट पूरे ओपन कर दिए, यहाँ पे मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया. सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस फाइनली. अच्छा दिवस. तू इतना हाई फाई क्यों बोल रहा है आज, कॉन्ट्रा पॉजिटिव की क्या जरूरत. कहाँ पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव नहीं होता. हाँ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव यूज भी नहीं करते हम. उन्होंने क्यों दिया है पता ही नहीं, बाकी सब यूज होता है तो वो नहीं दिया. और जनरली इम्प्लीकेशन रहता ही है. नहीं, एलएचएस इजी पड़े, एलएचएस इजी पड़े, आरएचएस पण इजी पड़े एक्चुअली. सही सही बोल रही है, आरएचएस भी इजी पड़ेगा, बट फिर से तुझे वो थोड़ा नहीं, एलएचएस से ही चलते हैं यार. नेगेशन पी वी क्यू और आर कंडीशनल लॉ. आ गया, आ गया, लाइन पे आ गया. भटका नहीं अभी वो. एलएचएस इक्वल टू आरएचएस के ऊपर आपने साइन करना भूल गए हो. नेगेशन पी और नेगेशन क्यू के बीच में अच्छा कंडीशनल लगा है ना. करेक्ट
चलो पी इम्प्लाइज क्यू क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू क्या है, नेगेशन पी और क्यू ना, सो ये पूरा पी हो गया, ये पूरा क्यू हो गया, सो नेगेशन पी और क्यू, सो दिस इज व्हाट, एंड एंड और सही है, और सही है, सही है। तो ये क्या है अपना, कौन सा था, कंडीशनल लॉ था, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और आर, डी मॉर्गन्स। अब क्या करोगे, कौन बताएगा, हाँ खुद को सॉल्व कर कर लिया उसने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करने के लिए तुम्हें अगर सीक्वेंस चेंज करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूरत नहीं वैसे, नेगेशन पी और आर एंड नेगेशन क्यू और आर, हाँ बोल क्या बोल रहा हूँ, कैसे लगाएगा डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नेगेशन है तेरे पास, उसको तो सिंपलीफाई करना पड़ेगा पहले, बट कॉग्निटिव लॉ वैसे लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे ठीक है बट अगर तुझे इस आर को आगे लेना है फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है तो तू लिख एक स्टेप कॉग्निटिव लॉ, नहीं गरज नहीं है, ये क्या है, ये क्या है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हाँ देखो ना, देखो यहाँ तक समझ में आया सबको, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, ब्रैकेट्स ओपन किया, देखो हमने ब्रैकेट्स ओपन किए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, अब अगर तुम इसको और इसको ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, नेगेशन पी और क्यू, उसका क्या हो जाता है, पी इम्प्लाइज क्यू, हमारे पास क्या है, नेगेशन पी और आर, तो वो क्या हो जाएगा, पी इम्प्लाइज आर, एंड अगर तुमने ऑब्जर्व किया नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ये क्या है, नेगेशन ऑफ क्यू और आर, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इम्प्लाइज आर, ध्यान से देखो ये नेगेशन ऑफ पी और क्यू है तो वो हो जाता है पी इम्प्लाइज क्यू, यहाँ पे क्या है, नेगेशन पी और आर है तो वो हो जाता है पी इम्प्लाइज आर, हियर यू हैव नेगेशन ऑफ क्यू और आर विच इज क्यू इम्प्लाइज आर, सो दिस इज व्हाट, क्या नहीं दिख रहा, अच्छा कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ आ गया ना आरएचएस, देखो मैंने बोला ना आज ये भी एक्सरसाइज नहीं होने वाला, तीन क्वेश्चन कोणा का या वीक मध्ये पुढचा लेसन सुरू होईल, एक टेस्ट घेऊ आपण अभी सैटरडे को इस चैप्टर पे, तो कर लेना दो तीन लेक्चर तो देखने तुझे, अरे कोपअप के लिए कुछ नहीं से पूछ, इसके पहले वाला क्या है, बहुत बोगस है तू ना, तू नौटंकी मत करना, बोल तुम लोग सैटरडे को वैसे भी आते हो ना मैथ्स के लिए, अकाउंट्स रहता मैथ्स रहता, टेस्ट भी दे दो, संडे को कौन से ऑनलाइन कुछ ऑनलाइन होता है, कुछ चलली तू मामाच्या घरी, इसलिए मैं बोल रही थी खुद भी एक दिन ऑनलाइन।